दोस्तों बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 बड़ी तब्दीलियां कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ मैच कैसे जीतना होगा कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच सके, यहां पर तमाम तर अपडेट मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप फखर जमान के फैन हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में फखर जमान टाइप करें। यहाँ पर तमाम तर अपडेट मैच के हवाले से भी देंगे, कब और कितने बजे शुरू होगा। प्लेइंग 11 में नंबर 1 फखर जमान, नंबर 2 अब्दुल्ला शफीक, नंबर 3 कैप्टन बाबर आजम, नंबर 4 की बात करें रिजवान इन फॉर्म विकेटकीपर बैट्समैन, नंबर 5 इफ्तिखार अहमद, नंबर 6 साउद शकील, नंबर 7 की बात करें सलेमान आगा, नंबर 8 की बात करें अबरार अहमद की वापसी शानदार लेग स्पिनर, नंबर 9 शहीन अफरीदी, नंबर 10 वसीम जूनियर, नंबर 11 हसन अली। हारिस रऊफ को बाहर किया गया है। आपके ख्याल में मजीद कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, कमेंट लाजमी करें। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को अगर 130 रन से शिकस्त देती है और या फिर इंग्लैंड टीम जो टारगेट देगी उसको पाकिस्तान टीम 32 ओवर में अचीव करती है तो पाकिस्तान टीम बआसानी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। सेमीफाइनल पाकिस्तान का इंडिया के साथ होने की तवक्को है। पाकिस्तान मुकाबला इंग्लैंड 11 नवंबर दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। यहां पर भी बराह रास्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।